हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे पांच ऐसे सेटिंग्स की जो आपके फोटोज़ और वीडियोस को बेटर बना सकें। सो आइए बात करते हैं उन सेटिंग्स की। बात करते हैं पहले सेटिंग की। हमारा फर्स्ट सेटिंग है रेशियो सेटिंग। आपने देखा होगा कि आपके सेटिंग में आपको ऑप्शंस मिलते हैं रेशियो सेलेक्ट करने के, दैट इज़ 4:3, 16:9 और 1:1। बट बहुत से लोग करते क्या है, उसको 16:9 पे कर देते हैं ताकि उनको लगता है कि जितना बड़ा रेशियो होगा उतने क्लियर फोटोज़ मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है, 16:9 करने पे उसमें से आपके 2 मेगापिक्सल माइनस हो जाते हैं ताकि वो फोटोज़ को एनलार्ज कर सके। बट इसका करेक्ट रेशियो है 4:3। सो आप जब भी शूट करें फोटोज़ या वीडियोस, ट्राई करें कि आप अपना रेशियो 4:3 पे रखें ताकि आपको फुल क्वालिटीज़ फ़ोटो मिलेंगी। अब बात करते हैं सेकेंड सेटिंग की। आपने देखा होगा कि आपको एक ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसको ऑन करते ही आपको 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन मिलती हैं जो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स का काम क्या है, जब भी आप ह्यूमन पोर्ट्रेट शूट करें या कोई ऑब्जेक्ट शूट करें आप ट्राई करें कि ह्यूमन फेस या ऑब्जेक्ट उन चारों पॉइंट में से किसी एक पे रहे। इससे होगा क्या है, जो ह्यूमन आइज रहती हैं वो डायरेक्टली इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पे अट्रैक्ट होती हैं। आपकी फ़ोटोज़ थोड़ी दिखने में बेटर लगेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेटिंग। हमारी जो थर्ड सेटिंग है वो है एंटी बेंडिंग सेटिंग। आपने देखा होगा कि आपको सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करने का। आपको इसमें करना क्या है, आप जब इंडोर शूट करें इसको 50 हर्ट्ज़ पे रखना है क्योंकि जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो लाइट फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है एंड बाकी अदर कंट्रीज़ में वो 60 हर्ट्ज़ की होती है। बाई चांस आपने अगर 60 हर्ट्ज़ पे करके इंडोर शूट किया लाइट्स में आपके फोटोज़ में ब्लैक लाइन आने लगेंगी। इसको जब भी आप इंडोर शूट करें उसको 50 हर्ट्ज़ पे सेट कर दें। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये इंडोर शूट के लिए इफेक्ट करता है। ट्राई करें कि इसको 50 हर्ट्ज़ पे रखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ सेटिंग। हमारा जो फोर्थ सेटिंग है वो है फोकस एंड एक्सपोजर लॉक। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो फोकस एंड एक्सपोजर लॉक है। मैं अभी कहीं भी मूव करूँ मेरा फोकस लॉस नहीं होगा एंड ना ही एक्सपोजर चेंज होगा। आप जब भी फोटोशूट या वीडियो शूट करें ट्राई करें कि आप अपना फोकस और एक्सपोजर लॉक कर दें ताकि आपको एक परफेक्ट पिक्चर मिल सके। इसके लिए आपको करना क्या है, जो कैमरा का स्क्रीन है उस पर आपको 2 सेकेंड टैप करके रखना है फोकस एंड एक्सपोजर लॉक हो जाता है। फिर आप उसको एक्सपोजर कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर आपको हाई एक्सपोजर चाहिए तो हाई एक्सपोजर, अदरवाइज लो एक्सपोजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं फिफ्थ सेटिंग की। हमारा जो फिफ्थ सेटिंग है वो है वीडियोस के लिए। आप जब भी वीडियो शूट करें आप ट्राई करें कि जो हाईएस्ट फ्रेम रेट पॉसिबल है आपके फ़ोन में आप उस पर शूट करें एंड देन उसको डाउनग्रेड करें ताकि आपको स्मूथ वीडियो मिल सके। इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग में जाके आपके जो हाईएस्ट फ्रेम रेट है सपोज 120 और 60 आप उस पर शूट करें एंड देन इसको डाउनग्रेड कर दें 30 FPS पे या 60 FPS पे। इससे आपको स्मूथ और बेटर वीडियोस मिलेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।